अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगली डिजीज जो हम लोगों ने करनी है वो है लीशमेनियासिस। कहने को बहुत ही आसान सी, कोई ऐसी मुश्किल सी बात नहीं है। देखने में आपको लगेगा बहुत लंबी लिखी हुई है, पर इसमें कोई बात याद करने वाली ऐसी नहीं है, ऐसा मुश्किल सी आसान आसान सी बात है। लीशमेनियासिस आपको पता है लीशमेनिया प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से हो जाती है, और लीशमेनिया की डिफरेंट टाइप से लीशमेनिया डोनोवन आयलैंड वगैरह वगैरह वगैरह। बस इतना आपने याद रखना है कि हमने लीशमेनियासिस जो होता है वो तीन तरह से बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। एक होता है जो अंदर बॉडी को इफेक्ट करेगा उसे कहते हैं विसरल लीशमेनियासिस, जिसमें आपके बॉडी के डिफरेंट विसरा और डिफरेंट सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। जो होता है आपका जो सिर्फ स्किन को इन्फेक्ट करता है उसको क्यूटेनियस लीशमेनियासिस कहते हैं, और तीसरी जो म्यूकोसल सर्फेसेस पे ज्यादा मैनिफेस्ट होती है उसे म्यूकोसल लीशमेनियासिस कहते हैं। तो तीन तरह की आपके पास होती है, ठीक है। जिसमें से जो हमारे हमने पढ़नी है वो सिर्फ विसरल है, क्योंकि बाकी कोई पूछता भी नहीं और करने की जरूरत भी नहीं। क्यूटेनियस का जिक्र हम डर्मेटोलॉजी में कर लेंगे, बहरहाल हम सिर्फ अभी विसरल लीशमेनियासिस पे जाएंगे। जो भी होगी एक बात कंफर्म है तीनों में, कि तीनों का जो ट्रांसमिशन का सोर्स है वो सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई को फ्लेबोटमीन के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि बेसिकली इसका जो आई गेस फैमिली है जीनस का नेम है वो फ्लेबोटमीन है। तो इस वजह से आपने जहन में रखना, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय फ्लेबोटमीन। तो फ्लेबोटमीन डिजीज में भी लीशमेनियासिस ने लिखा होगा वो काला जार लिखते हैं, क्योंकि जो विसरल लीशमेनियासिस है उसका दूसरा नाम होता है काला जार, जो जनरल नेम है। काला जार उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्ट कहने को तो विसरा हो रहे हैं, अंदर से सिस्टम्स हो रहे हैं, लेकिन स्किन का कलर डार्क हो जाता है, इसमें काली ब्लैक कलर्ड स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है। इसी वजह से इसको जो इंडिया में ये ब्लैक फीवर यानी काला बुखार भी कहते हैं और काला जार भी कहते हैं, ठीक है। ये इसे कॉमन नेम्स है। तो ये वाली डिजीज आपके पास सैंड फ्लाई से आती है। सैंड फ्लाई इसको इन्फेक्ट करता है, जब वो सॉरी हमारे अंदर ये डाल देता है प्रोमेस्टोकोट्स, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में सबसे पहले वो न्यूट्रोफिल्स में जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, फिर मैक्रोफेजेस में जाएंगे, फिर मैक्रोफेजेस में मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मैक्रोफेजेस उनको रिलीज कर देते हैं जब वो डाय होते हैं, फिर ब्लड में फिरते हैं, फिर वो बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बाकी सिस्टम्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इस तरह सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। तो लीशमेनियासिस का कुछ ऐसा कोर्स होता है। अगर इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें जो विसरल लीशमेनियासिस है, तो पहली बात तो आपने याद रखनी है कि इसमें जो मोस्ट कॉमनली आपके सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपका लिवर, ठीक है, लिवर है, स्प्लीन आ गया, उसके साथ लिम्फ नोड्स तो हर जगह पर होते ही होते हैं, किसी भी बीमारी में आप बात कर लेंगे, और उसके साथ बोन मैरो, ठीक है। वैसे तो यही वाली चार पांच चीजें हर जगह पर इन्वॉल्व हो रही होती है, इसी वजह से ये वाले जो लीशमेनियासिस वगैरह होते हैं, ये अगर आपको सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स की बेस पर डायग्नोस करने के लिए आए तो आपसे डायग्नोसिस हो नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो रही है, फिर कह दूं कि स्प्लीनोमेगैली है, साथ में कहती हूं आपको कि पेशेंट को फीवर है, तो ये तो बहुत सारी चीजों में होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन में होता है, तो आप कैसे कह दें कि ये लीशमेनियासिस है। इसीलिए अगर आपको इनमें सिनेरियो देना होता है तो आपको जो भी फीचर्स बताते हैं, मतलब फीवर होगा, साथ पेशेंट को कह देंगे स्प्लीनोमेगैली है, साथ पे टीके हैं बॉडी पे, साथ उसको लिम्फेडिनोपैथी भी है, ऐसी कुछ बातें चार पांच बता देंगे जो कि बहुत ऐसे नॉर्मल सी है, किसी भी चीज में हो सकती है, मलेरिया में हो सकती है, लेकिन उसके साथ वो बताएंगे द पेशेंट वॉज बिटन बाय फ्लेबोटमीन फ्लाई या सैंड फ्लाई, तब आपको पता चलेगा कि ये लीशमेनियासिस की बात कर रहे हैं। और या पर वो डायरेक्ट बता देंगे कि ये सी लीशमेनियासिस है और आप इसकी ये चीजें मुझे बता दें, इस तरह का क्वेश्चन आता है। वरना इस तरह से डायग्नोस करना इन इन्फेक्शन को पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूँगी स्प्लीनो में गैली है, स्प्लीन इलाज हो रही है, सारे ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो रहा है, पैनसाइटोपेनिया हो रहा है, फीवर है, तो मलेरिया में भी होता है, वो तो मलेरिया में भी हो रहा है ना, वो तो टाइफाइड में भी हो जाता होता है, इसलिए हम इसको नहीं इस तरह कर सकते। वैसे इसके लेने के फीचर्स की बात करें कि अगर आते क्या है, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होता है जिसके साथ पेशेंट को रेगुलर स्टेल्स भी होते हैं, फिर वो फीवर ठीक हो जाता है कुछ महीने और कुछ हफ्ते भी कई लोगों में ठीक रहता है, और फिर दोबारा होता है। उसके साथ जब पहली दफा बुखार होता है तभी उसकी स्प्लीन पेशेंट की इलाज होने लग जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। आई टोल्ड यू स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती है, लिवर इलाज हो जाते हैं, हिपैटोमेगैली हो जाती है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं पूरी बॉडी के, लिम्फ नोड्स इलाज होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, स्किन की डिस्कलरेशन का मेरे को पहले बता देते हैं कि स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, इसको काला जार इसीलिए कहते हैं। उसके साथ ही जब आपकी बॉडी के सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय, बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करती है, तो उसकी वजह से बोन मैरो, मैंने आपको बताया ना चार जगहों को इन्फेक्ट करती है, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करना बोन मैरो कम हो जाती है, तो पेशेंट्स को पैन साइटोपीनिया होता है, उनका रेड ब्लड सेल्स भी डिक्रीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी और प्लेटलेट्स भी डिक्रीज होते हैं। तो इस तरह से फिर इन सेल्स के डिक्रीज होने की वजह से जाहिर है अगर आपके प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, सवेयर हो जाएगा, तो ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स, नोज, माउथ, जीआईटी ब्लीडिंग, हेमाटोमेसिस, मेलिना, ये फीचर्स आएंगे। व्हाइट सेल काउंट डिक्रीज होने से इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज होगा, पेशेंट ब्रेथलेसनेस किससे आप प्रेजेंट करेगा, फटीग होगी, ठीक है। उसके साथ लिवर, जब उसका हमने कहा कि इफेक्ट हो चुका है, तो लिवर की वजह से इफेक्ट होने से एल्ब्यूमिन का लेवल बॉडी में बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होते हैं जो कि कॉज कर देते हैं एडिमा को। बताया कि एल्ब्यूमिन ने
वेसल्स के अंदर ब्लड को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होती है, और जब एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो फ्लूइड हमारे ब्लड में से जो प्लाज्मा है जो फ्लूइड है वो निकल निकल के ब्लड वेसल से बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से एडिमा हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो दीज आर सम फीचर्स, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि खास मैं कहूँ लीशमेनिया का है, इस वजह से आई कैन नॉट से इनमें से किसी फीचर से कि ये हो रहा है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि चार चीजें इन्फेक्टोरियन लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और उनके फीचर्स आ रहे हैं, दैट्स इट, अलॉन्ग विद ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको नहीं भूलना, ये एक अलग बात है। इसमें हर डिजीज में ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन नहीं होती, ये याद रखनी है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, ब्लड सीपी कराएंगे, आपको पैनसाइटोपेनिया मिलेगा, आपको तीनों ब्लड सेल काउंट डिक्रीज मिलेंगे, डेंड्रोसाइट्स भी, सब कुछ भी। आप सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स करेंगे, आपको एल्ब्यूमिन लेवल्स डिक्रीज मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ना हमेशा डिजीज के शुरू में ही कम हो जाती है, पहले मंथ ऑफ डिजीज में ही आपको ये चीजें कम होने लग जाती है एल्ब्यूमिन लेवल। उसके बाद अब हम जब हमें कंफर्म डायग्नोसिस करना है, और इसका कंफर्म डायग्नोस्टिक दम नहीं होता, नॉर्मली अगर पेशेंट्स इन चीजों के साथ प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले लोग मलेरिया ही सोचते हैं, स्पेशली हमारे सेटिंग में पाकिस्तान में लीशमेनिया इज नॉट कॉमन, नॉट एंडेमिक, तो यहां पर लोग सबसे पहले मलेरिया ही सोचते हैं, कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन की तरफ ध्यान दिया नहीं जाता इतना, और वो होती भी थोड़ा लेट है। तो मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए वो भेज देते हैं थिकोर्थेन फिल्म, और उसके साथ उसी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को जरा बराबर भी बेहतरी नहीं आती, तब उनका ध्यान जाता है कि ये कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद भी फिर सबसे पहले कॉमन इन्फेक्शन सोचे जाते हैं जो हमारे इलाके में कॉमन है, डेंगू कॉमन है, टाइफाइड कॉमन है, उनको रूल आउट करके एंड में आता है फिर अनकॉमन चीजों में जिसमें लीशमेनिया है। उसके लिए फिर आपने क्या कराना होता है, जो इसका सबसे अच्छा टेस्ट है, जिसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है, वो तो ये है कि आप स्प्लीन का स्मेयर लें, मतलब स्प्लीन में से टिश्यू लें, उसका स्मेयर प्रिपेयर करें और उसमें लीशमैन डोनोवन बॉडीज चेक करें। लीशमैन डोनोवन बॉडीज क्या होती है, जब आपका ये लीशमेनिया आपकी बॉडी के अंदर आता है तो मैंने आपसे कहा था न्यूट्रोफिल्स में जाते हैं, वहां कुछ इसका नहीं बन सकता, तो फिर ये मैक्रोफेजेस में अंदर जाते हैं, तो मैक्रोफेजेस को भी, मैक्रोफेजेस इसका मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन मैक्रोफेजेस और लीशमेनिया का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको लीशमैन डोनोवन बॉडीज कहते हैं, और वो आपको स्प्लीन में मिलता है, तो स्प्लीन में आप उसको डिटेक्ट करेंगे तो सबसे अच्छा है। लेकिन स्प्लीन में से डिटेक्ट करना, मतलब स्प्लीन का स्मेयर लेके प्रिपेयर करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी उसको थोड़ा खराब कर दिया तो बहुत शदीद हेमरेज हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। तो इस वजह से इसको अवॉइड अगर हमने करना है तो हम बोन मैरो ले सकते हैं, या जो लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए हैं उनका टिश्यू लेके उसका स्मेयर प्रिपेयर करके उसमें लीशमैन डोनोवन बॉडीज चेक कर सकते हैं, उसकी भी सेंसिटिविटी काफी अच्छी है, लेकिन जाहिर है स्प्लीनिक स्मेयर जितनी नहीं है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है जो आपको होता है कि बफी कोट स्मेयर्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इम्यूनोसप्रेस जो लोग होते हैं उनमें खासतौर पर ये चीज आप चेक करते हैं। अगर आपने जो स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए टिश्यू लिया उसका आप कल्चर करा लेंगे तो सेंसिटिविटी और बेहतर होती है, क्योंकि स्मेयर में उतना, स्मेयर में ज्यादा पैरासाइट को डिटेक्ट करते हैं, कल्चर में आप बाकायदा उसको देख लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। येस ऑफ कोर्स यू कैन डू पीसीआर, आप डिटेक्ट कर लें डायरेक्ट सीरम में पीसीआर करके उसका डीएनए डिटेक्ट कर लें। उसके अलावा टेस्ट हो सकता है कि आप एलाइजा करके उसके एंटीबॉडीज चेक कर लें, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट इज ऑल्सो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट ही ज्यादा अच्छा होता है इसमें, मतलब इसका जो अगर इसपे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो वो ज्यादा बेहतर डायग्नोसिस कंसिडर किया जाएगा, और ये भी आपका रैपिड इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी K39 स्ट्रिप टेस्ट भी एज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट होते हैं जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एलाइजा भी, ये भी और ये भी। तो ये सारे टेस्ट के बहरहाल नाम है, सारे के सारे थोड़ी नाम में कराने थे, हम अगर स्प्लीनिक स्मेयर्स भी करा लें और एक एंटीबॉडी करा लें दैट्स वेरी मच फाइन। उसके बाद हमने आना होता है मैनेजमेंट पे, ठीक है, आपने टेस्ट लिख दिया, मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट में जो पहला ग्रुप है वो है पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स का, जिसमें आपका बेसिकली एंटीमनी आता है, और एंटीमनी भी किस नाम से आता है, सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट के नाम से, ठीक है, मोस्टली सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट का नाम आपने सुना होगा, ये इस नाम से कॉमनली अवेलेबल ड्रग होती है। पहले जमाने में तो इसी को फर्स्ट लाइन एजेंट समझा जाता था, और अभी भी बहुत सारे इलाकों में यही चीज एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट दी जाती है। आपने याद रखना लीशमेनिया इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में काफी ज्यादा है। अच्छा, तो बहुत सारे इलाकों में अभी भी यही एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट दी जाती है, लेकिन जिनमें नहीं दी जाती वहां देने की ना वजह यह है कि बहुत सारे लोगों में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी है और इससे वो रिस्पांस देते नहीं है, तो इस वजह से इसको दे के पैसे भी जाया होते हैं, टाइम भी जाया होता है, पेशेंट ठीक भी नहीं होता, इसलिए अब लोग सेकंड लाइन एजेंट से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे यही फर्स्ट लाइन एजेंट बन गई है। लेकिन अभी भी एंटीमनी दी जाती है कुछ इलाकों में। एंटीमनी की डोज कुछ इस तरह से होती है कि 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आपने देनी होती है एक महीने के लिए, ठीक है, 20 मिलीग्राम पर केजी आईवी या आईएम दोनों तरह से दे सकते हैं एक महीने के लिए, ये इसकी डोजेज होती है। और इसके साइड इफेक्ट्स को आपने जरूर मॉनिटर करना होता है क्योंकि काफी सारे होते हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं साइड इफेक्ट्स मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन अगर होंगे तो सिंपल में आज एल्जिया माइल्जिया हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, लिवर और पेनक्रियास के फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, हार्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी, ECG चेंजेस होती है, ठीक है, ये जहन में रखना, ECG चेंजेस को नहीं भूलना, वो इंपॉर्टेंट है।
जो दूसरी ड्रग है वो एम्फोटेरिसिन बी, आपको याद होगा एंटी फंगल में आपने ये पढ़ी थी, एंटी फंगल में आपने पढ़ी थी, लेकिन अभी ये यहाँ पर भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, बहुत सारे लोगों में फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर दी जाती है, और इसकी डोज होती है 0.75 to 1 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है 0.75 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, एंड इट इज फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज, ठीक है 15 से 20 डेज के लिए दी जाती है। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं यही इसी किस्म के डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर वगैरह वगैरह। इसी वजह से इसकी अब एक लिपिड फॉर्मुलेशन आ गई है जिसमें साइड इफेक्ट थोड़े कम है, उसको हम कहते हैं एम्बाइसोम, ठीक है एम्फोटेरिसिन बी एंड उसके आगे आइसोम लगा लें, लिपिड फॉर्मुलेशन है एम्बाइसोम। उसके बाद हमारे पास ये अदर ड्रग्स में आती है मेटिफोसिन, पैरामोमाइसिन, पेंटामिडिन, आइसोथियोनेट, ये सारी वो ड्रग्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं और ये फर्स्ट लाइन एजेंट में नहीं इस्तेमाल होती है, सारी एसोसिएटेड ड्रग्स में होती है कि अगर एक के साथ दूसरी दे देंगे तो थोड़ी और बेहतर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है मेटिफोसिन भी ऐसी ही है और पैरामोमाइसिन भी है और पेंटामिडिन भी, ठीक है कोई डोजेज इनकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों की आपने याद रखनी है। और वही मैंने आपको बताया कि मल्टी ड्रग थेरेपी यही होती है कि आप एम्फोटेरिसिन बी और इसको मिला के दे दें या आप एंटीमोनियल और माइटिफोसिन को मिला के दे दें, तो इस तरह मल्टी ड्रग थेरेपी से पेशेंट का रिस्पांस बेहतर आता है। ये हो गया आपके यहाँ पर खत्म, किसी को भी मसला हो कि ना, थैंक यू।